हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरफीओ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटन बनाने की रेसिपी। तो मटन को बनाना कैसे आसान करना है, और जो हमारी किचन में सिंपल मसाले होते हैं उनके साथ में ही बनाना है। ना बाहर का कोई मसाला यूज करेंगे पिसा हुआ, और ना किसी भी तरीके से कलर का यूज करना है, क्योंकि टेस्ट के साथ में हमें आपकी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं, और मसाला जो भी यूज करना है इसमें उसे हम आपके साथ में शेयर करते हैं। तो ये है हाफ के जी मटन। ये हाफ के जी मटन ये बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश करके हमने साइड में इसे रख देना है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है मटन के लिए, इसे भी हम साइड में रखते जाएंगे। और ये चार लाल सूखी मिर्च, और ये चार हरी मिर्च, तेजपत्ता 2 से 3, ये दालचीनी की लकड़ी। दालचीनी की लकड़ी का बहुत बड़ा सा टुकड़ा नहीं लेना है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज होती है। और ये जावित्री फूल थोड़ा सा, इसे भी साइड में करते जाएंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे जो मसाला हमें भूनना है, ये 2 इंच का नारियल का टुकड़ा, ऐसे कद्दूकस करके ये पतले पतले शेप में इस तरीके से हम अलग कर चुके हैं इसे। ये देखिए, ये एक दालचीनी, ये बड़ी इलायची, और ये छोटा सा जायफल का टुकड़ा है। तो जायफल की जो खुशबू होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो अगर इसे ज़्यादा यूज करेंगे तो मटन की खुशबू अच्छी सी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये 10 से 12 काली मिर्च, 2 लौंग, 5 बड़ी इलायची, और ये 1 चम्मच छोटे चम्मच से जीरा, और ये 1/2 चम्मच पोस्ता। अब इसे भी साइड में रख देंगे, और देख लेते हैं और क्या क्या चीज लगनी इसमें। 2 छोटे साइज का टमाटर, इसे भी साइड में रखते जाएंगे। और एक ये बड़े साइज की प्याज, प्याज को इस तरीके से बारीक कट कर लेना है। और मसाला क्या जाएगा इसमें उसे भी देखते हैं। ये हल्दी 1/2 चम्मच से कम, और ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के इसी चम्मच से धनिया, और ये 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखेंगे, और मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसे भी साइड में कर देते हैं, और हम अपना काम शुरू करते हैं। तो फ्लेम को ऑन करते हैं इस तरीके से, और पैन को इस पर रखते हैं। ये जो मसाला भूनने वाला है, सबसे पहले हम डालते हैं नारियल, बिना घी या तेल के ऐसे ही डाल देंगे इसमें। उसके बाद हम सारे मसाले को एक साथ भूनते हैं। ये जीरा भी चला जाएगा इसी में, लौंग, इलायची, जितना कुछ है सब इसी के साथ डाल देते हैं। और ये जो बड़ी इलायची है इसका मुंह खोलते हैं, ताकि अच्छे से अंदर तक सिकाई हो जाए, ये इस तरीके से। अब हम इसे बस इसकी स्मेल को चेंज करना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का सा इसे खूब अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। ये मसाले से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, इसे देर तक नहीं भूनना है, ब्राउन नहीं करना है, ये पैन गर्म है, बस इस पैन में ऐसे ही थोड़ी देर तक रहने से इसकी खुशबू और अच्छी आ जाती है। अब यहाँ पर हम कुकर रखते हैं। कुकर गर्म हो चुका है, अब हम यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम 100 ग्राम से ज्यादा तेल का इस्तेमाल करेंगे। बस। और जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डालकर देखेंगे तेल गर्म हुआ है कि नहीं। और इस तरीके से ऐसे देखने से भी, जब ये हाथ थोड़ा सा तेज गर्म लगने लगे तो बस ये तेल गर्म हो चुका है। देखिए आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब प्याज को फ्राई करते हैं।
ये प्याज को चलाते रहेंगे, नहीं तो ये इसका कलर बिल्कुल खराब जाएगा। इसे ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट पिंक करना है। ये लाइट पिंक आना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और यहाँ पर इसका ख्याल रखेंगे, वरना प्याज डार्क ब्राउन हो जाती है तो हमारे मीट का कलर बिल्कुल खराब हो जाता है। बस इसे लाइट पिंक रखना है। ये लाइट पिंक हो चुका है, अब हम इसे बाहर निकालते हैं। इस तरीके से जितनी प्याज है इसको सबको एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है इसका। अब हम यहाँ पर डालते हैं ये दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री फूल, तेज पत्ता, हरी मिर्च बीच से कट की हुई है, और ये सूखी मिर्च। बस एक बार इसे अच्छी सी स्मेल आने लगेगी और ये कड़कड़ की आवाज बता रही है। अब मीट को डालना चाहिए, ये इस तरीके से यहाँ पर हम चलाएंगे इसे। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाएंगे तब तक ये मीट का कलर जब तक चेंज ना हो जाए। ये व्हाइट होना शुरू हो गया है तो थोड़ा कलर इसकी जो रेडनेस है वो खत्म हो जाए और ये व्हाइट हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो बस थोड़ी देर, 2 मिनट। ये देखिए ये पक रहा है इस तरीके से तेल में। ये कलर चेंज हो चुका है, ये इस तरीके से हल्का सा व्हाइट हो गया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच ये भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर लहसुन अदरक का पेस्ट कम रहेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए इसे डालने में कोई कंजूसी नहीं। और वो 2 छोटे टमाटर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में काट के हमें इसमें शामिल करना है। और ये मसाला 1 चम्मच धनिया खूब अच्छी तरीके से प्लेट को साफ करके डालेंगे। और ये लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और टेस्ट टू अकॉर्डिंग नमक। अब ये मसाला इसमें शामिल हो चुका है तो एक बार अच्छी तरीके से चला देते हैं ताकि पूरे में मिक्स हो जाए। और फ्लेम को मीडियम रखेंगे, यहाँ पर फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी, बस इतना सा, क्योंकि मटन से भी पानी रिलीज होगा तो यहाँ पर ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस जितनी जरूरत है इतनी। अब हम इसमें लीड लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने देते हैं, क्योंकि चिकन जल्दी से गल जाता है और मटन में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये देखना होगा कि मटन कैसा है, कितना टाइम लगेगा उसमें। तो मीडियम फ्लेम पर हम 4 से 5 सीटी आने के बाद फिर मिलते हैं। 5 सीटी आ चुकी है और ये प्रेशर खुद से रिलीज हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा मटन कैसा पका हुआ है। यहाँ पर फ्लेम को ऑन करते हैं।
बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कलर इसका अच्छा आया हुआ है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे मटन गला है या नहीं। अभी बहुत अच्छी तरीके से नहीं गला हुआ है। यहाँ पर भुनाई शुरू करते हैं। ये वही मसाला है जो हमने भुना हुआ था, धनिया, नारियल का टुकड़ा और गरम मसाला, इसके साथ में जीरा, धनिया नहीं, जीरा और नारियल का टुकड़ा और जितने भी गरम मसाले थे ये सारे हल्के हल्के से पोस्ता दाना, इसमें धनिया शामिल नहीं थी, थोड़ा पानी डालकर इसमें और साफ करके इसमें ही शामिल करेंगे। अब इसे भूनना शुरू करते हैं, खूब अच्छी तरीके से भूनेंगे। मटन हमारा पक रहा है, अब हम इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे ताकि लगने नहीं पाए। ये तेल ऊपर आना शुरू हो गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से भुन रहा है गोश्त। अब हम आपको दिखाते हैं, ये तेल ऊपर आ चुका है, अभी हम और इसे भूनते हैं। अभी काफी नहीं है भूनना इतना, जब तक गोश्त अच्छी तरीके से भुना हुआ नहीं आता टेस्ट अच्छा नहीं आता है, भूनने से ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अभी हम थोड़ी देर तक और भूनेंगे। ये गोश्त हमारा भून रहा है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो देखिए बड़ा अच्छा सा कलर आया है। ये कोई रेडीमेड मसाला नहीं, ना मैंने किसी भी तरीके का कलर यूज किया है, ये किसी भी तरीके का हमने बाजार का कोई कलर या कोई मसाला यूज नहीं किया है। जो हमारे किचन में मसाला सिंपल रहता है, रोज हम यूज करते हैं, बस उसी मसाले से ये मटन तैयार हुआ है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हम और ना सेहत में। अब यहाँ पर हम प्याज तल के पीसी हुई थी, ये देखिए इसका दरदरा सा पेस्ट बना हुआ है। अब हम यहाँ पर प्याज को शामिल करेंगे इसमें और फिर से एक दो मिनट भूनते हैं। और ये जो भी प्याज लगी हुई है, थोड़ा सा पानी इसमें लेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे साफ करके इसको पानी को भी शामिल करेंगे और फिर से भूनना शुरू करते हैं। ये थोड़ा पानी इसके अंदर जाने से क्या होता है, मसाला फिर से जो नीचे लगना है लगना बंद कर देता है और हम फिर से इसकी भुनाई शुरू करते हैं। तो तकरीबन दो मिनट इसे हम और भूनते हैं। अब यहाँ पर हम एक चम्मच भर के देसी घी डालेंगे, जो ना डालना चाहें तो वो इसे नहीं भी डाल सकते हैं, इससे खुशबू अच्छी हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। और लोग रिफाइन का भी कर सकते हैं या जो नहीं डालना चाहते वो दोनों ही ना डालें। अब हम इसे फिर से भूनते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से भून रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि हमें किचन से कहीं जाना नहीं है, अगर मसाला नीचे चिपक गया तो इसकी पूरी स्मेल खराब हो जाएगी। गोश्त भून रहा है, बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही है, इसकी महक पूरे घर में फैल चुकी है, इसकी खुशबू बताती है, कलर बताता है और ये तेल ऊपर आ जाता है तभी हमें पता चलता है कि गोश्त भुन गया। देखिए ये दानेदार मसाला इसका, ये बता रहा है कि गोश्त भुन चुका है, इसकी स्मेल भी बता रही है और कलर भी बता रहा है। जब तीनों चीजें परफेक्ट होंगी तभी एक अच्छा सा टेस्ट आता है, क्योंकि हमें खुशबू भी लानी है, टेस्ट भी लाना है और कलर भी अच्छा आना चाहिए, तो ये सब चीज का ही तीनों का मेल अच्छा होता है तभी पता चलता है कि गोश्त भुन चुका है। अब यहाँ पर हम पानी का यूज करेंगे, पानी एक बार में नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी
शामिल करेंगे ताकि हमें पता चले कि अब और कितना पानी चाहिए। अभी और जाएगा पानी इसमें। ये ग्रेवी आप अपने हिसाब से जितनी पतली और गाढ़ी चाहिए। ये थोड़ा सा पानी और जाएगा और ये नमक और मिर्च टेस्ट करने का अच्छा टाइम है। यहाँ पर नमक मिर्च को हम टेस्ट करेंगे, कम या ज्यादा होगा जैसा उसे बैलेंस कर लेंगे। अब लीड को लगाते हैं और क्योंकि मटन हमारा गला हुआ नहीं है तो तीन प्रेशर आने के बाद में फिर हम आपसे मिलते हैं। तीन प्रेशर आ चुका है, अब हम लीड खोलकर देखते हैं हमारा मटन कैसा बना हुआ है। बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बता रहा है कि मटन काफी अच्छा बना हुआ है। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट करते हैं इस तरीके से। बाउल में हम शिफ्ट करते हैं इसे, आराम से निकालेंगे। ये मटन बाउल में शिफ्ट हो चुका है, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। और आप इसी तरीके से बनाइए और हमारी वीडियो को दूसरों में शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए।